अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट्स की, और हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से वंदना भारती जुड़ चुकी हैं। वंदना, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना ईटी नाउ स्वदेश को। सबसे पहले तो शुरुआत कच्चे तेल से करिए। कल काफी बड़ी तेजी देखने को मिली है कुछ खबरों के चलते, अब आगे के लिए आप क्या टारगेट्स देख रही हैं? क्या ये तेजी आगे भी बरकरार रहेगी? जी पूजा, कुछ हद तक यहाँ पे बरकरार रहेगी क्योंकि काफी जो पॉलिटिकल टेंशन है जिसकी वजह से यहाँ पे क्रूड में अपसाइड आता हुआ देख रहे हैं। साथ में गैसोलीन स्टॉक्स जो है वो लगातार यहाँ पे कम हो रहा है जो काफी पॉजिटिव इंपैक्ट यहाँ पे दे रहा है। इनिशियली हम यहाँ पे थोड़ा सा डाउनसाइड आता हुआ देख सकते हैं क्योंकि कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है, लेकिन निचले स्तर पे यानी कि 68.25 के करीब एक बार फिर से बाइंग की ही सलाह रहेगी। 68.75 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 6800 का। और ओवरऑल देखा जाए तो इस रैली में, इस लेग ऑफ रैली में 69.50 तक लग रहा है कि क्रूड एक बार जाना चाहिए अपसाइड में। ठीक है, तो क्रूड में तेजी आगे भी बरकरार रह सकती है, यह है सलाह वंदना जी। वंदना, इसके अलावा गोल्ड सिल्वर पर भी सलाह दीजिए, प्रेफर्ड बेट कौन सी होगी आपकी? जी, यहाँ पे कल फेड की अहम बैठक है और एक चीज तो फिलहाल ऑलरेडी डिस्काउंटेड है कि इस बार कोई रेट कट नहीं होना है। मार्केट वेट कर रहा है बुलियन मार्केट यहाँ पे कि नेक्स्ट इनके कमेंट्स पे क्या होता है कि अगला रेट कट ये करते हैं या फिर स्टेबल रखते हैं। इससे पहले मुझे लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स में एक जो खरीदारी है वो यहाँ पर रिटर्न आ सकती है जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ हम देख सकते हैं गोल्ड और सिल्वर में। तो 104 की तरफ अगर डॉलर इंडेक्स गया तो कल से ही हम लोगों ने गोल्ड और सिल्वर की चाल में एक ठहराव आता हुआ देखा है। गोल्ड में मार्जिनल अपसाइड है, सिल्वर में थोड़ी सी गिरावट आई थी, तो मुझे लग रहा है इनिशियली एक अपसाइड आ सकता है मार्केट में, एमसीएक्स बाजार में भी, लेकिन ओवरऑल एक फॉल आने की यहाँ पे संभावना हो सकती है। तो मेरे ख्याल से एक बार 65,300 के करीब आता है तो गोल्ड को सेल करके चलना चाहिए, 65,000 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 65,450 का। सिमिलरली यहाँ पे सिल्वर में भी मुझे लग रहा है कि एक फॉल यहाँ पे आना चाहिए, 75,500 के करीब सेलिंग का करना चाहिए, 75,000 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 75,700 का। या तो गोल्ड और सिल्वर में फिलहाल के लिए आप बिकवाली करके चल सकते हैं, दोनों के लिए टारगेट आपको बताया, सिल्वर में 75,000 के टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं। वरना नेचुरल गैस में भी क्या आपकी कोई रणनीति है आज? जी बिल्कुल पूजा, यहाँ पे डाउनसाइड रिस्क अब थोड़ा सा कम रह गया है और एक कंसल्टेशन की फेज में है, ये हल्का हल्का ये अपसाइड देता रहेगा तो 145 के करीब यहाँ पे एक लेवल आता है तो यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। 152 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 142 का। कल भी इसने 5.5% का एक हायर साइड दिया था, थोड़े से नीचे की तरफ क्लोजिंग हुआ था, 1.5% से 4 पर था, तो आज भी लग रहा है कि मार्केट एक अपसाइड दिखाता रहेगा। और ओवरऑल अगर पोजिशनल ट्रेड भी लेते हैं तो एक बार 162 तक आता हुआ देख सकते हैं हम लोग आने वाले समय में नेचुरल गैस को। ठीक है, तो नेचुरल गैस तेजी बरकरार रह सकती है 152 के टारगेट्स के लिए। वंदना, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और रणनीति सुझाने के लिए हमारे दर्शकों के लिए। अब कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज पर बात कर लेते हैं जो कि शेयर बाजार से हमें मिल रही है।